तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं एटॉमिक नंबर्स, मास नंबर और एटॉमिक मास के बारे में। इसमें से एटॉमिक नंबर और मास नंबर को समझना एटॉमिक मास की तुलना में थोड़ा आसान है। तो पहले हम समझ लेते हैं एटॉमिक नंबर को, फिर मास नंबर को, उसके बाद डिटेल में समझेंगे एटॉमिक मास क्या है। कुछ मिथ भी है एटॉमिक मास को लेकर के, तो सब चीज मैं क्लियर कर दूंगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। देखिए ये आपके सामने मैं क्या लेकर के आया हूं। ये एक एटम है, ऐसे तो ये कार्बन का एटम है, बट इससे फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए इस एटम को यहां शिफ्ट कर देते हैं और देखिए यहां क्या क्या है इस एटम के अंदर। इस एटम में आपको तीन चीज देखने को मिलेगा, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जितने भी प्रोटॉन्स हैं और जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं, वो आप सब जानते हो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर बीचों बीच होता है, और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट में एज पर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन घूमते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है, राइट। अब सवाल यह है कि एटॉमिक नंबर क्या है। चलिए इस चीज को मैं सिंपल तरीके से समझा दूं। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। किसी भी एटम में जितने भी प्रोटॉन के नंबर होंगे, दैट विल बी द एटॉमिक नंबर। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो ये कार्बन है। कार्बन के किसी भी आप एटम को ले लो, दुनिया के कहीं भी आप कार्बन को उठा करके ले आओ, अगर उसमें आप जज करोगे तो आप देखोगे उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 मिलेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा आपको 6 ही मिलेंगे। तो इसलिए कार्बन की एटॉमिक नंबर कितनी हुई, 6 हुई। सिमिलरली अगर आप सोडियम की बात करोगे तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन देखने को मिलेगा 11 मिलेगा, तो उसकी एटॉमिक नंबर कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएंगे। चलिए ये बात क्लियर है। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने भी प्रोटॉन उस एटम में होंगे वही कहलाएंगे एटॉमिक नंबर। हालांकि कुछ लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना भी पसंद करते हैं, बट आप इस चीज को अवॉइड करना, क्योंकि कई बार एटम क्या करता है कि वो आयन बना लेता है, वो कैटायन या एनायन बना सकता है, और ऐसा जब भी वो करता है तो या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा। तो उस केस में आप देखोगे कि एटॉमिक नंबर इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेहतर ये होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले कंसेप्ट को आप अवॉइड करना, और अगर फिर भी आप लिखना ही चाहते हो तो वहां सियोर लिख लेना आप कि एटॉमिक नंबर को ऐसे लिखना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम आप सियोर मेंशन कर देना, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा आप प्रोटॉन वाले कंसेप्ट को लेकर के ही आगे चीजों को समझो, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब दूसरी चीज और बता देता हूं, एटॉमिक नंबर को आप बस किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का आधार कार्ड मानो। आप देख रहे हो ना, जितनी भी एलिमेंट्स हैं यहां उसके आधार कार्ड आप मान सकते हो एटॉमिक नंबर को। तो किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे, भले ही वो अलग अलग आइसोटोप्स क्यों ना हो, सबके एटॉमिक नंबर सेम ही होंगे। फॉर एग्जांपल दुनिया में कहीं भी जाओ आप, वहां से कार्बन को ले आओ, और जब कार्बन को ला करके आप देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको हमेशा 6 ही मिलेंगे, 6 ही मिलेंगे, कभी ये 7 नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है। हालांकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग हो सकता है, इवन कुछ केसेस में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अलग हो सकते हैं, और ये बहुत नॉर्मल चीज है जो आयंस वाला कंसेप्ट अभी अभी मैंने बताया। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा, किसी भी दो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकते हैं जस्ट लाइक दैट। इंडिया में किसी भी दो इंसान के आधार नंबर सेम नहीं हो सकते हैं जस्ट लाइक दैट। इस पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी भी दो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और समझने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। अब बात करते हैं मास नंबर की। अब ये मास नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, इस चीज को मैं क्लियर कट तरीके से समझा देता हूं, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये भी आप समझ जाओगे। जैसा कि आप देख सकते हो ये एक एटम है। इस एटम में ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन है। तो मास नंबर का मतलब होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दोनों को आप एड कर लो, जो भी वो नंबर आएगा दैट विल बी द मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये जो एटम है ये कार्बन की एटम है, और इस कार्बन की एटम की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, चलिए उसको ही नहीं मैं एक अलग से बना देता हूं। देखो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, आप जानते होंगे C12, C13 एंड C14।
ठीक है, ये नेचुरल आइसोटोप है। हालांकि इसके अलावा भी और भी सारे आइसोटोप्स होते हैं, इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, बट फिलहाल इसकी बात करते हैं। देखो ये जो कार्बन 12 है इसमें आपको 6 प्रोटॉन देखने को मिलेगा और 6 न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होगा, फिलहाल उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। और C13 की अगर बात करें तो आप देख सकते हो 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को डिफाइन करेगा और मैंने बताया कि एटॉमिक नंबर कभी अलग नहीं होगा, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी वैरी कभी नहीं करेगा चाहे कोई भी आइसोटोप हो। हालांकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये चेंज हो सकता है। तो जो भी हो, इसकी जो मास नंबर है ना, ये वाली एटम की, ये कार्बन की एक आइसोटोप है और बहुत ही कॉमन आइसोटोप है, तो इसकी जो मास नंबर है वो 12 है। और ये 12 कहां से आया? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये जो कार्बन की आइसोटोप है, ये कार्बन ही है लेकिन ये दूसरा वेरिएंट है, जस्ट लाइक दैट कि जैसे आप सपोज कि कोई आईफोन लेते हो, आईफोन 11 की ही बात कर लेते हैं, तो आईफोन 11 खुद अलग अलग वेरिएंट में आते हैं ना, जैसे कि 64 GB, 128 GB, तो ये अलग अलग वेरिएंट में आते हैं, तो सिमिलरली ये आइसोटोप कहलाते हैं। C14 भी होता है, तो फिलहाल दो से ही आप समझ जाओगे। तो यहां जो 13 है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाय द वे, मास नंबर और एटॉमिक मास में काफी फर्क है, हालांकि ये बात भी सच है। सारी बात आपको समझ में आ जाएगी, बस ध्यान से आप मेरी बात को पूरा सुनते रहिए। तो मैंने ये कहा कि मास नंबर और एटॉमिक मास में काफी फर्क है, लेकिन एक रिलेशन है, रिलेशन इन द सेंस कि एटॉमिक नंबर से, सॉरी मास नंबर से हमें ये आइडिया तो मिल ही जाता है कि एटम कितना ज्यादा भारी है। जिसका मास नंबर ज्यादा होगा वो ज्यादा भारी होगा, और जिसका मास नंबर कम होगा वो थोड़ा सा कम हल्का होगा। तो जाहिर सी बात है, इस दोनों में से ज्यादा हेवी ये होगा और ये हल्का होगा, ठीक है। लेकिन ये कतई आज के बाद आप मत बोलना कि ये जो एटम है इसकी एटॉमिक मास 13 है। रफली हम बोल देते हैं, लिख देते हैं, बट ऐसा मत करना। आप बुक भी देखोगे तो कई बार कंफ्यूज हो जाओगे, कई बार आप ऐसा देखोगे कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन वो 12 होता है, बट ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। फिलहाल तो एटॉमिक मास की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, पूरा डिटेल में समझा देंगे एटॉमिक मास क्या है, हम बात अभी कर रहे हैं मास नंबर की। तो मास नंबर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और दूसरा इसका ये बेनिफिट है, हमें ये आइडिया मिल जाता है कि कोई भी एटम कितना ज्यादा भारी है, राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट मास नंबर। तो चलिए अब बात करते हैं एटॉमिक मास की। ये काफी टेक्निकल है, इसलिए मैं चाहूंगा कि ध्यान से आप सारी चीजों को वन बाय वन करके बिल्कुल लास्ट तक सुनते और समझते जाइए। इंपॉर्टेंट डेटा को आप कॉपी डाउन भी कर लेना। सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट, ये सारे एक ही चीज है। इसमें से किसी एक नाम को अगर मैं या फिर आपके स्कूल के कोई टीचर लेते हैं तो इसका मतलब उनका एटॉमिक मास से ही होगा। चलिए, अल्टरनेट नेम तो आपने सीख लिया, अब बेहद सिंपल तरीके से समझते हैं कि एटॉमिक मास का डेफिनेशन या मतलब क्या होना चाहिए। मैं अगर आपसे पूछूं कि एटॉमिक मास का मतलब क्या होना चाहिए, अपने कॉमन सेंस को यूज करके आप आंसर करो, तो जाहिर सी बात है आपका आंसर भी कुछ ऐसा होगा, मास ऑफ एन एटम, जो बिल्कुल सही भी है। एटॉमिक मास का मतलब क्या हो गया? मास ऑफ एन एटम, कि किसी भी एटम की कितनी मास है। और खुद मास का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि उस चीज में कितना मैटर है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास देखो ये 3 स्फेरिकल बॉल है, तो मुझे बताओ इसमें से मास किसकी ज्यादा होनी चाहिए। ओके, आप कैमरे में देख करके ये अंदाज नहीं लगा सकते हो, बट मुझे मालूम है इसके साउंड को सुन करके आप ये तो पक्का बता सकते हो इसमें से सबसे ज्यादा मास किसकी होगी। तो चलिए मैं एक साउंड प्रोड्यूस करता हूं इसके हेल्प से, और मैं चाहता हूं आंसर आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना साउंड सुनने के बाद। ये देखो मैंने इसको ड्रॉप किया, ओके, अब इसको करता हूं फिर से एक बार और एक बार, और चलिए अब इसे करता हूं, इस साइड से करता हूं, हाइट वही है, ओ माय गॉड। तो क्या आप बता सकते हो इसमें से सबसे ज्यादा मास किसकी होगी? कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कर दो। मुझे लगता है आपने भी इसी के बारे में रिप्लाई किया होगा कि इसकी मास सबसे ज्यादा होगी। तो क्योंकि इसमें जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है ना वो ज्यादा है, मास का मतलब भी यही होता है, और यहां जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर काफी कम है, आप देख सकते हो, ठीक है। और ऐसे भी आप अंदाज लगा सकते हो, ये देखो कि इसे मैं अगर दबाना चाहूं तो बिल्कुल भी दबा नहीं सकता हूं, मैं लाख कोशिश कर लूं, लेकिन देखना इस केस में क्या होगा। देखो जरा मैं कितनी आसानी से इसे दबा सकता हूं, ये देखो। तो जाहिर सी बात है इसमें जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है ये काफी कम है। अब हम समझना चाहते हैं फिर से एटॉमिक मास को।
तो जैसा कि आप ये तो समझ ही चुके हो कि एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ एन एटम, लेकिन एटम के मास को हम किलोग्राम में मेजर नहीं कर सकते। एक्चुअली कर तो सकते हैं, बट ये सही आइडिया नहीं होगा। तो हमने क्या किया कि एक नया ही यूनिट बनाने के बारे में सोचा, और ये आदत तो हमारी पुरानी है। आपको वो लाइट ईयर वाली बात तो याद आ ही रही होगी, जब हम दो स्टार्स के बीच में डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वहां हम किलोमीटर में मेजर करने के बजाय लाइट ईयर में मेजर करते हैं। हालांकि ये बात आप याद रखिएगा कि किलोमीटर में भी हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर आइडिया है कि अगर हम लाइट ईयर में मेजर करें। जस्ट लाइक दैट हमारे साइंटिस्ट ने ये सोचा कि क्यों ना एटम को भी मेजर करने के लिए एक अलग से ही नया यूनिट बना लिया जाए। तो चलिए अब मैं वो यूनिट का नाम भी आपको डिक्लेयर कर दूं कि वो नया यूनिट का नाम अल्टीमेटली क्या रखा गया, और वो नाम है एटॉमिक मास यूनिट, AMU, या फिर उसे यूनिफाइड मास भी लिख सकते हो, जिसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हो आप यू से। और थर्ड नेम भी आप देख सकते हो, ये एक साइंटिस्ट थे और सिंबल है इसके लिए DA। और ये जो तीनों आप देख रहे हो, ये तीनों अलग अलग यूनिट्स नहीं है, ये तीनों सेम ही है, बस नाम अलग अलग है। इसमें से ज्यादा प्रीफर आप करोगे यूनिफाइड मास को, ऐसे ज्यादातर लोग AMU को यूज करते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी यूज कर लो, बट प्रीफर करोगे यूनिफाइड मास को तो ये ज्यादा बेहतर होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने अराइज होता है वो ये कि 1 AMU या फिर 1 U ये होता आखिर कितना है। जैसे कि आपको ये तो अच्छे तरीके से एक आइडिया होगा कि 1 किलो कितना होता है। अगर मैं बोलूं कि इसकी मास 1 kg है तो एक आइडिया आपको लग गया होगा कि 1 किलो कितना होता है। तो सिमिलरली आपको ये समझना पड़ेगा कि 1 AMU या 1 U, दैट इज यूनिफाइड मास, ये कितना होता है। इस चीज को डिफाइन करने के लिए पहले हाइड्रोजन का सहारा लिया गया, उसे बेस यूनिट माना गया, उसके बाद रेफरेंस के तौर पे हमने ऑक्सीजन को लिया, बट इन दोनों में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए, कुछ ना कुछ खामियां निकली, और इसके बाद 1961 में IUPAC, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, फुल फॉर्म इसका है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये फुल फॉर्म है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है, इसे आप बोल सकते हो कि केमिस्ट्री के ये बॉस हैं। तो केमिस्ट्री के फील्ड में अगर कुछ चेंज करना हो तो मेरे कहने पे वो कुछ नहीं होगा, बट इनके कहने पे सब कुछ हो सकता है। तो ये क्या कहते हैं कि 1 U को या 1 AMU को डिफाइन किया जाएगा कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में। तो चलिए कैसे डिफाइन किया जाएगा ये मैं समझा दूं, लेकिन इससे पहले ये बताना चाहूंगा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो प्रॉब्लम हुआ था, इस स्टोरी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रहा हूं, और इससे कंसेप्ट का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, तो ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री ही माना जाएगा, तो इसे आप एक बार रीड आउट कर सकते हो, सारी बात समझ में आ जाएगी। जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है उसे जाकर के एक बार आप पढ़ लेना अगर आप चाहो तो। फिलहाल देखो IUPAC, अभी हमारा जो टॉपिक है वो ये कि IUPAC ये 1 U को या फिर 1 AMU को कैसे वो डिफाइन करते हैं, ये काफी टेक्निकल है। तो IUPAC क्या कहते हैं कि आप सबसे पहले तो कार्बन 12 आइसोटोप को ले आओ। चलिए मान लेते हैं ये कार्बन 12 है, ये कार्बन 13 है और ये कार्बन 14 है। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC आपको सबसे पहले कार्बन 12 को लाना है। चलिए कार्बन 12 को इसे मैं रिप्लेस कर देता हूं इससे, मान लेता हूं ये कार्बन 12 है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं कट करके इसे शो करूंगा और इसे मैं कट नहीं कर पाऊंगा इसलिए। तो चलिए इस चीज को मैं लेता हूं, ठीक है। तो ये कार्बन 12, ये कार्बन 13, ये कार्बन 14। IUPAC का कहना क्या था कि सबसे पहले तो आप कार्बन 12 को ले लो। तो चलिए इसे एलिमिनेट करते हैं, हटा देते हैं। तो मैंने लिया कार्बन 12 को। अब IUPAC का कहना क्या है कि इस कार्बन 12 को, इसकी मास जो भी है, ठीक है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत करना, यहां 12, 13, 14 ये मास नंबर है और हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मास की, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा दोनों सेम ही है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है। हालांकि मास नंबर से हमें यह आइडिया मिल जाता है कि वो एटम कितना भारी है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं हुआ कि मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक मास। इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, आप मेरी बातों को बस ध्यान से सुनते जाओ। अकॉर्डिंग टू IUPAC आप कार्बन 12 आइसोटोप को ले आओ। इसके बाद जो भी आप देखो इसकी मास है, जो भी इसकी मास है, प्रैक्टिकली ये आपको देखना है, तो जो भी इसकी मास है, इसकी मास को मान लिया गया 12 AMU। कितना माना गया? 12 AMU, दैट इज एक्चुअली में 12 U, राइट।
जो कार्बन 12 की जो कुछ भी मास है उसका मास को क्या माना गया, 12 AMU। तो जाहिर सी बात है 1 AMU कितना हो जाएगा इस कार्बन 12 का 12वां हिस्सा। तो चलिए इस चीज को मैं ऐसे समझाता हूं, ये देखिए इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं, ये क्या है कार्बन 12 आइसोटोप। और अब अगर इस कार्बन 12 आइसोटोप को अगर मैं 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूं तो क्या वो 1 AMU होगा? तो सिंपली आपको ऐसे कट कर लेना है, ये देखिए 2 और ये 4, और इसको अगर मैं ऐसे कर लूं तो 8 हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन इक्वली करना है, ठीक है, अभी मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। तो इसको आप 12 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो, ठीक है, इसको क्या करना है 12 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो। देखो कितना हो गया, 4, 6, 7, 8, काउंट कर लेते हैं 4, 8, 12। तो आप देख सकते हो कार्बन 12 को मैंने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसमें से एक अच्छा इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, अभी तो मैंने समझाने के लिए ऐसा किया बट रियली आपको इक्वल करना है। तो ये जो एक है इसकी जो भी मास होगी दैट इज डिफाइंड एज 1 AMU। इट्स रियली वेरी सिंपल, आपको करना क्या है कार्बन 12 आइसोटोप को लेकर के आओ, जो भी उसकी मास है उसको मान लिया गया 12 AMU। यानी कि जब उस सिंगल कार्बन के एटम को 12 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे तो एक जो होगा उसी का मास को हम कहेंगे कि ये 1 AMU है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम ये जानना चाहते थे कि 1 AMU जो कि मास का यूनिट है, दूसरी तरफ किलोग्राम वो भी मास का यूनिट है, तो जाहिर सी बात है इस दोनों में एक रिलेशन भी होगा। और ये रिलेशन भी मैं आपको दे दूं, ये याद रखना कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻²⁷ kg, ठीक है, ये वैल्यू आप याद रख सकते हो। ध्यान दीजिएगा ये अप्रोक्स में लिया गया है, आप जितना आगे चाहो बढ़ सकते हो, आप चाहो तो 1.66 दे लो, और मुझे इतना ही याद है 1.6605 × 10⁻², बट ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, बट 1.66 भी आप याद रखते हो तो ये काफी है, या फिर 1.661 एज पर यू, जो भी आप चाहते हो वो वैल्यू आप याद रख लो। ये रिलेशन है, आप गूगल में चेकआउट भी कर सकते हो कि रिलेशन बिटवीन AMU एंड kg किलोग्राम। आपने गौर किया अभी तक मैंने आपको डेफिनेशन नहीं दिया एटॉमिक मास की, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रहे डेफिनेशन आपके सामने एटॉमिक मास की, घबराइए मत, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अब देखो ये जो हाईलाइट मैंने किया, ये लाइन का मतलब तो कुछ होता नहीं है, ये तो सेंटेंस को बना रहा है कि द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द, इसका तो कोई मतलब नहीं है। चलिए इसका मतलब यानी कि आपने समझ लिया। अब जो हाईलाइटेड है इसको आप देखो, इसका मतलब भी ये ठीक है, as compared with the mass of carbon 12 isotope taken as 12 unit, ये भी आपको क्लियर होगा जो मैंने अभी अभी समझाया, जो अभी पोटेटो को कट करके मैंने समझाया, तो इसका मतलब भी आप समझ गए हो। तो बचा क्या इसमें, बस यही ना बचा जो अभी हाईलाइटेड है, यानी कि एवरेज रिलेटिव मास। बस इस चीज को आपने अगर समझ लिया तो डेफिनेशन भी आपका हो गया, काफी आसानी से आप इसे समझ सकते हो। अब देखो एवरेज एटॉमिक मास ये क्या है, या फिर एवरेज रिलेटिव मास। तो चलिए सबसे पहले तो एनसीईआरटी के इस टेबल को देख लीजिए, क्लास 9 एनसीईआरटी से मैंने ये लिया है टेबल नंबर 3.2, आप देख सकते हो इस चीज को। तो यहां देख सकते हो हाइड्रोजन की एटॉमिक मास 1 है, कार्बन की 12, नाइट्रोजन की 14 एंड सो ऑन। तो सारे आप देख सकते हो होल नंबर में ही है, लेकिन क्लोरीन को आप देखो ये 35.5 है। तो ये 35.5 का क्या राज है इस चीज को मैं क्लियर कर दूं, लेकिन इससे पहले ये भी बताना चाहूंगा कि इसमें से जितनी भी आप एटॉमिक मास का जो वैल्यू देख रहे हो ये सारे के सारे गलत है, या फिर मैं यूं कहूं कि ये सारे राउंड अप करके लिखे गए हैं। कार्बन की एटॉमिक मास 12 नहीं होती है। अच्छा ये चीज तब समझ में आएगी जब एवरेज रिलेटिव मास को मैं समझाऊंगा कि ये एवरेज का क्या चक्कर है, लेकिन फिलहाल इस चीज को आप माइंड में नोट कर लो कि कार्बन 12 की जो एटॉमिक मास है वो एग्जैक्टली 12 है, आप गूगल में जाकर के देख सकते हो। लेकिन कार्बन की जो एटॉमिक मास है ना, अच्छा कार्बन से और कार्बन 12 इन दोनों में फर्क क्या है? कार्बन से मेरा मतलब यह है कि कार्बन के सारे आइसोटोप्स को मिला करके हम बात कर रहे हैं, और आप गूगल करके देख लो आपको आंसर मिलेगा 12.011। ऐसे मैं राउंड अप करके ये भी बता रहा हूं, एग्जैक्टली जाओगे तो बहुत आगे बहुत आगे बहुत आगे जाते जाओगे। तो एनसीईआरटी कुछ ज्यादा ही राउंड अप कर दिया ये समझ करके शायद कि क्लास 9th के बच्चों को इतनी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन एक बार अगर आप समझ लोगे तो फिर लाइफ टाइम फिर इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस रिविजन करते जाओ, काम आपका होता जाएगा। तो मेरी कोशिश भी यही है कि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊं कि फ्यूचर में आगे भी ये चीज काम आता रहे। एनी हाउ जो भी हो,
तो मैं ये फिर से क्लियर कर दूं, कार्बन 12 की एटॉमिक मास एग्जैक्टली 12 यू होती है, लेकिन अगर कोई ये पूछे कि कार्बन की एटॉमिक मास कितनी होती है, ऑल तो एनसीईआरटी में 12 है बट ये राउंड अप करके दिया गया है, जिसे आप गलत भी बोल सकते हो या फिर राउंड अप ही बोलो, वो ज्यादा अच्छा है। तो इसकी एग्जैक्ट आंसर कितनी होगी, एग्जैक्ट तो ये भी नहीं होगा, इसकी जो इससे बेहतर आंसर है वो क्या होगी, वो होगी 12.011। चलिए अब समझाते हैं एवरेज रिलेटिव मास का क्या चक्कर है। इसके लिए लेते हैं क्लोरीन को, उसी एग्जाम्पल को लेते हैं, ये रहा क्लोरीन और क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप पे मैंने वीडियो बना रखा है, आप पक्का देख लेना उस चीज को। और क्लोरीन 37, यहां 35 और 37 ये एटॉमिक मास नहीं है, ये मास नंबर है। हालांकि एटॉमिक मास और मास नंबर दोनों काफी मतलब क्लोज ही होते हैं, लेकिन दोनों को इक्वल हम कतई नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर बोलना ही होता तो फिर एटॉमिक मास पढ़ने की हमें क्या जरूरत होती, जरा ये भी तो सोच के देखो आप। तो ये नहीं आओ, आगे समझो इस चीज को, ये क्लोरीन की 35, क्लोरीन 35 है और ये क्लोरीन 37 है। अब अपने कॉमन सेंस को अगर आप यूज करोगे तो आप ये आंसर कर सकते हो कि इसकी जो एवरेज एटॉमिक मास होगी, मैंने क्या कहा एवरेज एटॉमिक मास, ये कितनी होनी चाहिए बताओ तो, 35 + 37 डिवाइडेड बाई 2, आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो, ये आएगा 36, जो कि गलत आंसर है। आप गूगल करके देख लो, गूगल में आप ये पूछ के देखो कि एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन की एटॉमिक मास 36 नहीं है, या फिर आप पीरियोडिक टेबल, ऐसे आपके पास भी कोई पीरियोडिक टेबल होगा तो पीरियोडिक टेबल में आप चेकआउट कर लो, वो 36 नहीं होगी, वो होगी वहां आप देख सकते हो, वहां मिलेगा आपको 35.5। हालांकि 35.5 भी ये राउंड अप करके ही है, और थोड़ा और एग्जैक्ट अगर देखोगे तो 35.453 आपको मिलेगा, ठीक है। इसके आगे भी और होता है बट चलिए मैं इतना ही बता रहा हूं, 35.453, लेकिन फिलहाल एज पर क्लास 9 35.5 की ही बात कर लेते हैं, उस चीज को समझ लेते हैं। एक बार आप चीज को समझ लोगे तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो आगे क्या बात है, जब आप क्लोरीन के मॉलिक्यूल को देखोगे तो वहां आपको दो वेरिएंट मिलेगा, ऑब्वियसली ये सारे आइसोटोप कहलाएंगे, तो एक मिलेगा कार्बन 35 और दूसरा मिलेगा कार्बन 37, बट दुनिया में ये दोनों इक्वली अवेलेबल नहीं है, इसकी परसेंटेज काफी ज्यादा है, जो लगभग 75% है, मैंने लगभग कहा और इसी को लेकर के हम लोग काम करेंगे, और इसकी जो परसेंटेज है वो 25 है, यानी कि 100 में से 75 मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो 35 वाले होंगे, और 100 में से जो 25 बच जाएंगे वो ऐसे वाले होंगे। तो इसके हिसाब से अब आपको एवरेज निकालना है। अब एवरेज कैसे निकालोगे, तो एवरेज निकालने का जो टेक्निक आप यहां यूज करोगे, देखो ये वाला टेक्निक तो था, ये तो फेल ही हो गया, फेल होने का वजह भी साफ है क्योंकि 35, ये जो क्लोरीन का जो 35 है इसकी परसेंटेज ज्यादा है, बस इसलिए ये फेल हुआ था। अगर दोनों इक्वल होता तब तो ये आइडिया काम कर जाता, लेकिन ये अनइक्वल है इसलिए ये आइडिया काम नहीं करेगा। तो परसेंटेज वाले केस में एवरेज निकालने का मैं एक शॉर्टकट भी आपको देना चाहूंगा। देखो शॉर्टकट क्या है, आप सिंपली एवरेज निकाल सकते हो ऐसे, ये जो नंबर है इसे लिखो 35 और इनटू इसका परसेंटेज, यानी कि इस वैल्यू को लिखो, इस वैल्यू से मेरा मतलब है 75/100, और प्लस लिखो, फिर इसको लिखो, यानी कि 37 और इनटू 25%, यानी कि 25/100, ठीक है। बाकी एवरेज निकालने का, परसेंटेज का जो एवरेज होता है उसको निकालने का बहुत सारे तरीके हैं, आप पूरा डिटेल मेथड भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये शॉर्टकट है, इसके हेल्प से काफी इजीली आप एवरेज निकाल सकते हो। तो तरीका क्या है समझ के, कि जितना होगा उसे लिखोगे, यानी कि मास नंबर को यहां लिखोगे और फिर उसकी परसेंटेज, फिर क्या है मास नंबर और उसकी परसेंटेज, कुछ ऐसे लिखोगे। इसके बाद बस सिंप्लीफाई कर दो, और कुछ नहीं करना है। जब सिंप्लीफाई करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2625 डिवाइडेड बाय, ऑब्वियसली नीचे 100 होगा, प्लस 925 डिवाइडेड बाय 100, दोनों को ऐड कर लोगे तो ये 3550 डिवाइडेड बाय, ऑब्वियसली नीचे 100 ही होगा, और अल्टीमेटली ये आपको आंसर दे देगा, ये डेसिमल यहां आ जाएगा, यानी कि 35.5। आप चेक कर लो जो एनसीईआरटी वाला, ये देख लो आप, आंसर यही दिया हुआ है। तो एक्चुअली में ये मतलब था एवरेज रिलेटिव मास का, ठीक है। अब देखो मैं फिर से इस चीज को समझाऊं तो आपको सारी बात और ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो अब इसको ऐसे समझो, मान लो यहां किसी एलिमेंट के तीन तीन आइसोटोप्स हैं, कुछ को मैं ब्लैक से बना देता हूं, कुछ को ग्रीन से बना लेते हैं, ये देखो ग्रीन से बना लेते हैं, और ऐसा करते हैं कुछ को रेड से बना लेते हैं, ठीक है। सबकी परसेंटेज अलग अलग है, तो रेड वाले की परसेंटेज मान लेते हैं 10% है, ओके। ग्रीन वाले की जो परसेंटेज है वो 20% है,
और एट द सेम टाइम ऑब्वियसली ब्लैक वाले की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए आप ये बता सकते हो ना, 70%, क्योंकि तीनों मिलकर के 100% होना चाहिए। तो अब मैं पूछूं कि इसकी एटॉमिक मास कितनी है, तो तीनों वेरिएंट का मास नंबर आपको मालूम होना चाहिए। इसकी मास नंबर को M1 मान लेते हैं, इसकी मास नंबर को M2, इसकी मास नंबर को M3। ये क्या होगा, जस्ट लाइक दैट 35 हो सकता है, 37 हो सकता है, 42 हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि किस एलिमेंट की आप बात कर रहे हो। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या होगा, M1 into 10 by 100 प्लस M2 into 20 by 100 प्लस M3 और 70 by 100। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो भी आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर जो यू में होगा। ऐसे बिल्कुल आप फाइंड करके देख सकते हो, आप दो चार को चाहो तो ट्राई भी कर लेना, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, आंसर जब आप वेरीफाई करोगे तो देखना वहां कंफ्यूजन होगा। अब एनसीईआरटी से वेरीफाई करोगे या किसी पीरियोडिक टेबल से वेरीफाई करोगे तो हो सकता हो राउंड अप करके दे दिया होगा, तो एग्जैक्टली आपको आंसर मैच करेगा इस बात पे तो यकीन थोड़ा आप कम ही करना। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मुझे लगता है सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में।